वेलकम एवरीवन। हम लोग इंटेलिजेंस पर बात कर रहे हैं। इंटेलिजेंस हमारा मेन टॉपिक है, जिसमें से कि आज थर्ड लेक्चर होगा कंसेप्ट ऑफ आईक्यू पे, बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं, कहाँ से ये कंसेप्ट आया है, किसने इसके इवोल्यूशन में हेल्प की है। एंड दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यूजीसी नेट, सीटेट, यूपीटेट, टीईटीज, केवीएस, एनईएस एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ टीचिंग एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। एंड I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And do join our Telegram group, explore_education, and subscribe my channel too. Why there is need to join Telegram group? Because all quizzes, polls, feedbacks, we will share in Telegram group only onwards. Okay, so let's start. First of all, we have to know about concept of IQ. IQ means इंटेलिजेंस कोशेंट। आई क्यू एक ऐसा शब्द, एक ऐसा एप्रिविएशन जिसको हम लोग दिन भर रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं। कई लोग इसके बारे में जानते हैं, कई लोग नहीं भी जानते हैं। तो जो नहीं जानते हैं और जो एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, एजुकेशन से जिनका लेना देना है, उनको इसके बारे में जानना चाहिए और इस पर बहुत सवाल भी बनते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टू। ओके, तो इंटेलिजेंस कोशेंट है आईक्यू। और क्या करता है ये? इट मेजर्स अ पर्सन्स रीजनिंग एबिलिटी, किसी व्यक्ति की तार्किक योग्यता का ये मापन करता है। एंड इट इज अ टोटल स्कोर डिराइव्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स और सब टेस्ट्स डिजाइंड टू असेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। यानी कि ये कुछ नहीं है बल्कि क्या है कि स्कोर है, जो कहाँ से आया है, हमको बहुत सारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट एजुकेशन के हैं, सॉरी इंटेलिजेंस के हैं, उनसे डिराइव किया गया है और बनाया किसके लिए गया है? मनुष्य की बुद्धि का मापन करने के लिए, और किसी की बुद्धि से इसको सरोकार नहीं है। देन अ नंबर यूज टू एक्सप्रेस द रिलेटिव इंटेलिजेंस ऑफ ए पर्सन, और ये क्या है? एक संख्या है जो कि हमें ये बताती है या जो एक्सप्रेस करता है, ये क्या एक्सप्रेस करता है कि किसी व्यक्ति की रिलेटिव इंटेलिजेंस, मतलब हमारी इंटेलिजेंस दूसरे के सापेक्ष कितनी है, ये बताता है ये नंबर। और क्या बताता है? इट इज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल्स लेवल बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल टेस्ट। मतलब जो व्यक्ति पर अगर हम कोई इंटेलिजेंस टेस्ट अप्लाई करेंगे तो उससे जो एक मेजर निकल के आएगा वो है क्या? आईक्यू। फिर सबसे पहले जाने कि कहां से आया ये टर्म, तो ये एब्रीविएशन जो है, द एब्रीविएशन आईक्यू वाज कॉइन्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न। ये देखिए, विलियम स्टर्न साहब हैं जिन्होंने सबसे पहले इस टर्म के बारे में हमको, इस कंसेप्ट के बारे में बताया। फॉर द जर्मन टर्म इंटेलिजेंस कोशेंट, यानी कि सॉरी जर्मन भाषा का ये शब्द है इंटेलिजेंस कोशेंट, जिसको कि आईक्यू करके इंटेलिजेंट कोशेंट कर दिया गया। His term for a scoring method for intelligence tests at University of Breslau. University of Breslau में ये काम कर रहे थे और इसको intelligence test पे, IQ tests पे काम कर रहे थे और फिर उन्होंने scoring के लिए इसको इजाद किया। और किस पे, किस में इन्होंने discuss किया है? ये 1912 में इन्होंने ये term दिया और 1914 में ये किताब लिख रहे हैं, Psychological Methods of Testing Intelligence, बहुत famous book है इनकी, उसमें ये इस IQ का वर्णन कर रहे हैं। और अच्छा हाँ, एक बात यहाँ पर आपको बताने वाली है जो मैंने लिखा नहीं है। जब हम असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, जब हम मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, तो वहां पे कहां से शुरू करते हैं? अल्फ्रेड बिने से शुरू करते हैं, जो 1904-1905 में हमको पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बनाकर दे रहे हैं। उन्होंने मेंटल एज का भी को भी कॉइन किया है, मतलब अल्फ्रेड बिने का नाम मेंटल एज के कॉइनेज से भी जोड़ा जाता है, लेकिन उनको इंटेलिजेंस कोशेंट या इसका कंसेप्ट सॉरी नहीं था। वो क्या बता रहे थे? वो भी ये बता रहे थे कि मेंटल एज में से अगर क्रोनोलॉजिकल एज घटा दें तब हमारा कुछ इस तरीके का निकल कर आएगा, जिसको हम इंटेलिजेंस कोशेंट या कुछ इस तरीके की बात कर रहे थे। लेकिन स्टर्न वो महोदय थे, वो साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कहा कि नहीं, मेंटल एज में से क्रोनोलॉजिकल एज को घटाना नहीं है, जबकि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज करके कुछ न्यूमेरिक हमको मिलेगा, वो व्यक्ति की रिलेटिव इंटेलिजेंस बता सकता है। लेकिन अल्फ्रेड बिने ने इसको अपोज किया, वो इससे खुश नहीं थे उनके इस कंसेप्ट से, बिकॉज वो ये उनका ये मानना था कि हम पूरी किसी व्यक्ति की इंटेलिजेंस को एक न्यूमेरिक से नहीं डिस्क्राइब कर सकते। फिर आए कौन? टर्मेन।
टर्मेन आए और इन्होंने हमको दिया है स्टैनफर्ड बिने टेस्ट, लेकिन कंफ्यूजन ये हो जाता है कि अल्फ्रेड बिने के नाम में से बिने है, बिने साइमन टेस्ट कहलाता है, लेकिन टर्मेन का नाम स्टैनफर्ड बिने में नहीं है, वो स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे और स्टैनफर्ड वहां से लिया गया है। बिने इसलिए लिया गया क्योंकि बिने के ही टेस्ट को उन्होंने और अडेप्ट करके और उसको आगे बढ़ाया। तो टर्मेन जो टेस्ट बना रहे हैं उसका नाम स्टैनफर्ड बिने टेस्ट है, अल्फ्रेड बिने थियोडोर सिमोन के संग साइमन के संग जो टेस्ट बना रहे हैं वो बिने साइमन टेस्ट है। तो टर्मेन ने इनका कंसेप्ट लिया है आईक्यू का, और जो इन्होंने फॉर्मूला बताया था मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, तो वो क्या आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, उसको इन्होंने क्या कहा कि 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको एक पूर्णांक मिल जाएगा। तो ये सारी कहानी पीछे चल रही है इस आईक्यू के। तो आईक्यू का फॉर्मूला टर्मेन ने, सॉरी स्टर्न ने क्या दिया है, आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको टर्मेन साहब 100 से मल्टीप्लाई करके पूर्णांक बनाते हैं, जो अब हम लोग पढ़ते हैं आईक्यू का फॉर्मूला, आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ओके, और मेंटल एज क्या है, व्यक्ति की मानसिक आयु, मतलब कि जिस मानसिक कार्य को करने के लिए जो आयु चाहिए वो, और क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, उसकी वास्तविक आयु, मतलब कि अगर कोई 10 साल का बच्चा है वो 10 साल का कोई काम कर रहा है, मतलब ऐसा काम कर रहा है जिसमें 10 साल की मेंटल एज की जरूरत है, तो 10/10 इज इक्वल टू 1 और 1/100 इज इक्वल टू 100। मींस कि अगर हम जितनी हमारी उम्र है उतनी ही उम्र का हम काम करते हैं तो हम एवरेज आईक्यू, मतलब 100 एवरेज मानी जाती है, 100 से ऊपर चढ़ेंगे तो हम अबव एवरेज है, 100 से नीचे हैं तो हम बिलो एवरेज है। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। देन आजकल एक टर्म और आता है डेविएशन आईक्यू, और अक्सर हम लोग आईक्यू पढ़कर निकल जाते हैं और डेविएशन आईक्यू से हम नहीं मतलब सरोकार रखते हैं कि क्या चीज है, तो हमको ये देखना चाहिए कि जब ये तो 100 साल पुरानी बात है ना, 1912, 1905, 1920 में ये सारे काम चल रहे हैं, तब आईक्यू का ऐसे निकालते थे मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। अभी भी आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है, सवाल पूछा जाएगा तो आप वैसे ही निकालेंगे, लेकिन जो मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट हैं उनमें अब आईक्यू की जगह डेविएशन आईक्यू का कंसेप्ट आ गया है। इन मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट कंसेप्ट आईक्यू हैज बीन रिप्लेस्ड बाय डेविएशन आईक्यू। है क्या ये डेविएशन आईक्यू, कंप्यूटेड एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्क्रिपेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल स्कोर फ्रॉम द मीन और एवरेज स्कोर, यानी कि जो मीन है, जो माध्य है, जो एवरेज स्कोर है, उससे हमारा इंडिविजुअल का स्कोर कितना डिस्क्रिपेंट है, मतलब हम उससे कितना डेविएट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि मीन आईक्यू को हमने कस्टमरीली 100 मान लिया है। ठीक, अभी मैंने ये डायग्राम यहाँ पे शो करना चाहिए था, नहीं है कि जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का डायग्राम बनता है एनपीसी, तो उसमें मीन 100 पे है, फिर क्या कर रहे हैं, विद स्लाइटली मोर देन 2/3 ऑफ ऑल स्कोर्स फॉलिंग विद इन प्लस और माइनस 15 पॉइंट्स ऑफ द मीन, यानी कि अगर हम मीन से आगे चलेंगे प्लस 15 तो क्या हो जाएगा 115, अगर हम मीन से पीछे चलेंगे 100 से पीछे चलेंगे 15 तो क्या हो जाएगा, 100 में से 15 घटाएंगे 85, यानी कि 85 से 115 का जो वेरिएशन हमको मिल रहा है, यानी कि प्लस माइनस 1 SD, SD क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इट इज ए मैथमेटिकल वे ऑफ ग्रुपिंग पीपल टुगेदर। तो जो ये आपका आता है क्या 85 से 115 में हमको 64.14 तो 68 समथिंग हमको अराउंड इतनी जो पॉपुलेशन है वो प्लस माइनस 1 SD पर लाई करती है, मतलब कि अगर हम किसी भी नॉर्मल पॉपुलेशन में अगर हम आईक्यू का एक प्रसार देखें, रेंज देखें, तो हमको 85 से 115 में मैक्सिमम पॉपुलेशन मिल जाती है, यानी कि 68% लोग हमको की जनता मतलब पॉपुलेशन में जनसंख्या में ऐसे मिल जाएंगे जिनकी जिनका कि आईक्यू 85 से 115 है, मतलब कि हम प्लस माइनस 1 SD डेविएट कर रहे हैं। लेकिन अगर यही हम एक और स्टेप पर जाएं, यानी कि 115 से 130 चले जाएं और 85 में से फिर 15 घटा दे 70 हो जाए, यानी कि अगर 70 से 130 देखें तो हमको 95% स्कोर मिलते हैं, मोर देन 95% ऑफ ऑल स्कोर्स लाई बिटवीन 70 एंड 130, मींस 2 SD, यानी कि अगर हम 2 पॉइंट डेविएशन दिखा रहे हैं प्लस 2 SD एंड माइनस 2 SD, प्लस 2 SD का क्या मतलब 130, क्यों 130, क्योंकि मीन हमारा 100 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है, तो 15 + 15 = 30 हो गया, और इधर 15 + 15 यानी कि 30, यानी 100 में से 30 घटेगा तो 70, तो ये जो आ रहा है हमारा जो एरिया आ रहा है वो 95% केसेस वहां लाई करते हैं। इसका मतलब कि सिर्फ 5% लोग, यानी कि 2.5% इधर और 2.5% इधर, पूरी जनसंख्या का सिर्फ 2.5% लोग ऐसे होते हैं जिनका कि आईक्यू 70 से कम या 130 से ज्यादा होता है।
ओके तो आई होप कि आपको डेविएशन आईक्यू का कंसेप्ट समझ में आया होगा। और कुछ टेस्ट और स्पेसिफिक आईक्यू बताते हैं, जैसे कि वर्बल आईक्यू, परफॉर्मेंस आईक्यू, ये भी आपको टर्म्स मिल जाएंगे। तो वर्बल आईक्यू किसके लिए है? ये वर्बल इंटेलिजेंस नापने के लिए है। और परफॉर्मेंस आईक्यू किसके लिए है? नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के लिए। ओके देन अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो टर्मेन और वेशलर, ये हमको दो क्लासिफिकेशन मिलते हैं, आईक्यू की रेंज और आईक्यू का क्लासिफिकेशन। देखिए अगर 164 या इससे ऊपर आईक्यू है तो व्यक्ति जीनियस या लगभग जीनियस हो सकता है। 148 से 164 है तो वेरी सुपीरियर, 132 से 148 है तो सुपीरियर, 113 से 132 है अबव एवरेज, 84 से 113 नॉर्मल एवरेज, 68 से 84 डलनेस, 52 से 68 बॉर्डर लाइन, एंड बिलो 52 को ये डेफिनेट फीबल माइंडेडनेस कह रहे हैं। कौन? टर्मेन। और वेशलर क्या कह रहे हैं? ये 128 से ऊपर को ही सुपीरियर कह दे रहे हैं। जैसे ये भी, ये तो 148 को वेरी सुपीरियर कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने 128 से ऊपर को ही वेरी सुपीरियर बोल दिया, फिर सुपीरियर, ब्राइट, नॉर्मल, एवरेज, डल, नॉर्मल, बॉर्डर लाइन और डिफेक्टिव। तो ये आप किसी का भी क्लासिफिकेशन उठा के देखेंगे तो थोड़ा बहुत वेरी करेंगे, पर इतना तय है कि 70 से 130 के बीच में 95% केसेस लाई करते हैं, और बहुत कम प्रतिशत, 2.5% सिर्फ ये है कि हमारा या तो बिलो एवरेज होता है या अबव एवरेज होता है, क्या आईक्यू। ओके देन नया टर्म आ गया है, ये देखिए आप इससे समझ सकते हैं, ये इसमें ये बना हुआ है यहाँ पे कि इस तरह से हम अगर ये हमने मीन 100 ले लिया तो 115 और 85 के बीच में कितने केसेस हैं, 70 से 130 के बीच में कितने केसेस। ओके देन फ्लाइन इफेक्ट, देखिए कि नया इफेक्ट आ गया है। क्या है ये इफेक्ट? द फ्लाइन इफेक्ट रिफर्स टू द ऑब्जर्व्ड राइज ओवर टाइम इन स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर्स डॉक्यूमेंटेड बाई फ्लाइन 1984 इन ए स्टडी ऑन इंटेलिजेंस क्वेश्चन। मतलब फ्लाइन महोदय 1984 में आईक्यू पर स्टडी कर रहे थे और उन्होंने देखा कि जो स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर्स है वो साल दर साल बढ़ रहा है समय के साथ। कितना बढ़ रहा है? रॉ स्कोर्स ऑन आईक्यू टेस्ट फॉर मेनी पॉपुलेशंस हैव बीन राइजिंग एट एन एवरेज रेट दैट स्केल्स टू 3 आईक्यू पॉइंट्स पर डिकेड सिंस द अर्ली 20th सेंचुरी। यानी कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से ही पर डिकेड यानी हर 10 साल में 3 आईक्यू पॉइंट बढ़ जा रहे हैं। इसका क्या मतलब कि ये इफेक्ट है एक, और इसको फ्लाइन इफेक्ट का नाम दिया गया। इसको ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट है, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन है, इतनी सूचना है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि आने वाली जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, जो नई पीढ़ी है, जिसको हम जेन जेड कहते हैं, जिसको हम डिजिटल नेटिव्स कहते हैं, वो इन कंपेरिजन टू देयर प्रीवियस जनरेशन दे आर मोर इंटेलिजेंट। ओके सो I have completed the concept of IQ, deviation IQ, flying effect and William Stern's contribution in the evolution of IQ. So thank you and don't forget to like and subscribe my channel, and to find this channel in Telegram, scan to join this much, or you can type explore_education. Okay, and why? What is the necessity to join Telegram group? Because you have to attend daily quizzes there, you got learning materials there, you can ask your query there, and you can provide feedback to me also there. And in previous lecture I have asked 2 questions and their answer is available in Telegram group, so do attain that quiz. And the quiz based on today's lecture has been posted in Telegram group when I publish this video on YouTube. So done from my side, thank you.